तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला डायमंड्स वर्ल्ड के कुछ ऐसे वियर्ड लॉजिक्स जिनको जानकर आपको बहुत ही ज़्यादा हंसी आने वाली है और लिटरली ये कोई भी सेंस नहीं बनाते। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वियर्ड लॉजिक नंबर वन, तो डायमंड्स वर्ल्ड के होम स्क्रीन पेज पर जो एरियाज है उनमें से कुछ एरियाज की प्लेसमेंट जो है वो कोई भी सेंस नहीं बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो अपना कैंप एरिया है वो इस जंगल के बाहर प्लेस्ड है, जबकि असल में कैंप तो इधर है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ये टेंपल रून्स जो कि एक जंगल जैसा मैप है वो तो एक्चुअली जंगल में प्लेस्ड है ही नहीं। पता नहीं इन एरियाज को प्लेस करते वक्त डायमंड्स वाले कौन से नशे फूक रखे थे। वियर्ड लॉजिक नंबर टू, तो डायमंड्स जब अपने बीम वाले अटैक्स यूज करते हैं बैटल में, जैसे कि हेल्थ फायर, वाटर ब्लास्ट, डार्क बीम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तब क्लियरली हम देख सकते हैं कि वो अटैक्स जमीन के अंदर से निकल रहे हैं। आई मीन हेल फायर और वाटर ब्लास्ट का तो हम समझ सकते हैं, लेकिन आयरन बीम, डार्क बीम, सोलर फायर और रेनबो बीम, मतलब ये कहाँ से निकल रहे हैं भाई, मतलब कुछ भी। लेकिन एनीवेज ये तो फिर भी चल जाता है। लेकिन वियर्ड लॉजिक नंबर थ्री हम सब की नाक में दम कर बैठा है। डायमंड्स को रिवॉल्व करने के लिए कॉइन्स की क्या जरूरत है भला। आई मीन लिटरली इन सिक्कों में ऐसा कौन सा जादू भरा पड़ा है कि इनको यूज करने से डायनामोस ऐसे ही इवॉल्व हो जाते हैं, मतलब कुछ भी। और तो और गेम के पाइल्स के अंदर भी डायनास्टोन्स के मॉडल्स ऐसे ही पड़े हुए हैं और इनको कभी भी यूज नहीं किया गया था डायनामोस वर्ल्ड के अंदर। काश वो इन मॉडल्स को यूज कर ले और फिर इन स्टोन्स की मदद से डायनामोस को इवॉल्व किया जाए रेदर देन यूजिंग जस्ट कॉइन्स। वियर्ड लॉजिक नंबर फोर, तो डायनामोस वर्ल्ड में जब क्लाउड किसी लेजेंडरी डायनामोन को पकड़ता है तब वो लेजेंडरी मैक्स लेवल पर होता है, लेकिन वही सेम डायनामोन जब क्लाउड छोड़ देता है और हम उसको पकड़ने जाते हैं तब भी साला उस डायनामोन का लेवल अपने आप कम हो जाता है। मतलब ये तो स्कैम हो गया यार, डायनामोन्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कैम है ये, और ये स्कैम हमेशा मेरी नाक में दम कर देता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप सबको भी ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वियर्ड लॉजिक नंबर पाँच, तो काफ़ी महीनों पहले डायमंड्स वर्ल्ड ने एक पोस्ट डाला था जिसके कमेंट में वो बोलते कि लॉगिन सिस्टम 2 या 3 वीक्स में आ जाएगा, लेकिन उस पोस्ट को अब काफ़ी महीने हो चुके हैं लेकिन लॉगिन सिस्टम का कोई भी अता पता नहीं है। और जब भी आप उनसे पूछोगे कि लॉगिन सिस्टम कब आएगा तब वो बोलते हैं कि इट इज़ एन एक्टिव डेवलपमेंट। अब वो लोग हर वीक एवोल्यूशंस तो ऐड करते रहते हैं, लेकिन इन एवोल्यूशंस को कलेक्ट करने का फ़ायदा ही क्या जब आप अपना प्रोग्रेस ही सेव ना कर सको। तो गाइज ये थे डायमंड्स वर्ल्ड की कुछ सबसे ज़्यादा वियर्ड लॉजिक्स। तो अगर आपको कोई और वियर्ड लॉजिक पता हो तो फिर कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता देना। और गाइज मुझे एक बार फिर से माफ़ कर दो क्योंकि फिर से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स कल से स्टार्ट होने वाली है और अगर मैं अच्छे मार्क्स नहीं लाता हूँ तो फिर मुझे बहुत चप्पल पड़ेंगी। तो गाइज चप्पल खाने से अच्छा तो मैं थोड़ी सी पढ़ाई कर लेता हूँ, और 18 तारीख के बाद से आपको दबा की वीडियोस मिलने वाली है और आप उन्हें मिस नहीं करना चाहोगे, तो यार सब्सक्राइब करके ही रख लो। इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।